हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द क्वेश्चन नंबर वन, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कुछ कंपोजिशंस है, कंपोजिट फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एटसेट्रा। सो कुछ अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इसको हमने सॉल्व करना है। लेट्स टेक y एज द गिवन फंक्शन cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमें पता है, कल हमने रिजल्ट्स में देखा था लास्ट लेक्चर में, जो कि cos ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, cos एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था, दैट वाज माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी विल गेट डिवाइड बाई डी एक्स एज, दैट इज इक्वल, सो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, ठीक है ना, ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज, ये क्या हो गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मीन्स कंपोजिट पार्ट हो गया, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंपोजिट पार्ट है, सो उसके अलग फंक्शन है ना, ये साइन एक्स ये हमारा फंक्शन होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे ये फंक्शन आया हुआ है, सो इट इज़ अ कंपोजिट पार्ट और कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। सो इसका डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना है उसी स्टेप में। सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यस इट इज माइनस साइन ऑफ, ये एज इट इज रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ ए, ए इज द कॉन्स्टेंट, अकेला कॉन्स्टेंट है ना, अकेला है ना, अकेला आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी कहानी, ठीक है ना। सो ट्वाइस एक्स प्लस जीरो, सो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, मतलब माइनस ट्वाइस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन सम, ठीक है ना। ये जो दिया था आपको कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर दिया। हम वन मोर एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे, सेकेंड केस, रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, ठीक है, रूट ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। फिर से एक बार, लेट इसको क्या मान लेंगे, वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, ओके। सो अगेन हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए भाई, उसका डेरिवेटिव लेना है, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमें पता है, क्या पता है हमें, रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है, रूट ऑफ एक्स, और यू कैन से रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया था लास्ट लेक्चर में, इट इज़ वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो रूट ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, बट इन टू, अभी एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स था ना, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो इट इज ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर से एक बार याद कीजिए आप, क्या किया था हमने, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था, दैट वॉज वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी रूट एफ ऑफ एक्स है, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स हो गया, लेकिन उसको इंटू एफ डैश ऑफ एक्स किया था आगे हमने, एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स, सो इसका डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से उसको, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू रूट ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव इंटू द ब्रैकेट, अभी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, और यू कैन से ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन आ गया, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो इंटू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। क्या मिला आपको, आपको मिला है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू टाइम्स रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव इंटू द ब्रैकेट, अभी थ्री एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू, प्लस जीरो तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, दिस प्लस जीरो इज
दैट फंक्शन इट सेल्फ, ठीक है ना। सो 3x प्लस 2 का डेरेटिव तो था 3, e रेस टू 3x प्लस 2 एज इट इज। सो आवर आंसर विल बी नाउ डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू, ये 3 बाहर आ गया सो 3 बाई 2 हो गया, ठीक है ना, 3 अपॉन 2 e रेस टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो ये दोनों सम्स के आप एग्जांपल आपके नोटबुक में आप नोट कर लीजिए इन दोनों सम्स को, ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट सम हम लेंगे लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू। सो लेट्स टेक अगेन वी कंसिडर इट एज वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू। ठीक से ऑब्जर्व कीजिए हमारा फंक्शन, स्टैंडर्ड टाइप जो होता है वो लॉग एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ एक्स देर इज टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना। सो हमारा कंपोजिट फंक्शन कौन सा आएगा, कंपोजिट पार्ट कौन सा आएगा, टेन एक्स बाई टू आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमने फिर से एक बार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में रूल लिखा था, वन अपॉन सॉरी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे बेस लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस e है, इसका नेचुरल लॉगरिथम है। बेस अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया हो तो वो कॉमन आता है, ये जो है बेस नहीं रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये नेचुरल लॉगरिथम है, बेस e है इसका, ठीक है। सो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था वन अपॉन एफ ऑफ एक्स था, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, हमने वहाँ पे कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे। सो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, सही बात है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से टेन एक्स बाई टू, ठीक है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टेन एक्स बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एफ ऑफ एक्स, फिर से हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लिखा था टेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी इस फंक्शन के लिए टेन एक्स होना था तो टेन एक्स बाई टू है, सो ये अलग फंक्शन आ गया, ये कंपोजिट पार्ट, सो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से, ठीक है। सो डिवाइड बाय डी एक्स दैट्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय टेन एक्स बाई टू इंटू वन बाय टू। सो हम आंसर लिखेंगे उसका, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन अपॉन टेन मीन्स कॉट ऑफ एक्स बाई टू, ओके। सो दैट्स द आंसर ऑफ द गिवन सम। और एक एग्जांपल हम लेंगे, फोर्थ वन कॉट क्यूब ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, एक सम और लेंगे हम कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये जो एक्स क्यूब है ये लॉगरिथम का वेरिएबल है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। लॉग एक्स टोटल का क्यूब नहीं है, वो एक्स का क्यूब है ओनली, ठीक है ना, लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। सो अगेन लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स टेक वाई इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। एक चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे, कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ठीक से याद रखनी होती है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे कॉट क्यूब है ना, सो ये हो जाएगा कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब का ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। मतलब ये क्यूब जो है ये टोटल ब्रैकेट का क्यूब है, यहाँ पे कॉट क्यूब रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर भी वो पूरा का पूरा कॉट एंगल का क्यूब है, ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, लॉग ऑफ
एक्स क्यूब, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो, ये लॉग एक्स का क्यूब हो जाएगा या तो फिर लॉग ऑफ एक्स का क्यूब होगा। यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। सो ये कॉट क्यूब जो है वो टोटल कॉट रेशो का क्यूब है, ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर वैसे नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। सो चलिए क्या करेंगे फिर, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेंगे। इट इज़ गिवन एज कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब एंड उसका क्यूब, ठीक है। कॉट का क्यूब था, इसका मतलब टोटल एंगल का क्यूब है वो। सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अभी, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, फिर से हमारा वही रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट था, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, इट इज 3 इंटू यस कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेस टू 2, बिकॉज एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, हमारा रिजल्ट अप्लाई कर दिया। बट द कंपोजिट पार्ट क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। सो कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब उसका ब्रैकेट स्क्वायर, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स, इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, बट अगेन एफ ऑफ एक्स क्या था यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। वो अलग फंक्शन था लॉग एक्स क्यूब, उसको उसके डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे, ठीक है। सो चलिए भाई, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स, ये प्लस है ये माइनस है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब अगेन इंटू, अभी लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो भी हमने हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लिखा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हमने लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लिखा था, दैट वाज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स, सही बात है। लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो मल्टीप्लाई कर दिया उसको। सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 3 अपॉन एक्स रिमेनिंग रहेगा। सो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू दिस 3, सो माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब दैट इज ओनली एक्स इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा गिवन सम था उसका डेरिवेटिव। कुछ नहीं किया है हमने, हमने कुछ भी नहीं किया है, जो 15 रिजल्ट्स हमने लिखे थे कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव्स के, बस उसी रिजल्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फिर उसका कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसका नोट आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। अगला सम लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, चलिए। सो लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे थे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5,
ये कंपोजिट पार्ट है ना, सो मल्टीप्लाई इट बाय डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट से, ठीक है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन, बिकॉज लॉग का बेस लिखा नहीं है यहाँ पे, मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, ई है बेस उसका, सो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, बट एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, सो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस, वी कैन से सेक ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस मीन्स माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव अगेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव, ओके, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अभी माइनस साइन, ये सेक मीन्स वन अपॉन कॉस, माइनस साइन अपॉन कॉस मीन्स माइनस टेन एक्स क्यूब माइनस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव, इट इज थ्री एक्स माइनस जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव, सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन सम, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे वहाँ पे, सिक्स्थ वन, कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, देखिए सो इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, यही क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन उसका ब्रैकेट स्क्वायर, पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था, ये जो कॉस एंगल का स्क्वायर है मतलब टोटल के टोटल एंगल का वो स्क्वायर है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू f of x raised to n, so 2 into s cos of log of x square plus 7 bracket is to 1 ho jayega into derivative of s cos of log of x square plus 7, kya kiya humne yahan pe, f of x raised to n tha, so n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू टू माइनस वन मीन्स वन, टू माइनस वन क्या हो जाएगा वहां पे, वन हो जाएगा, ठीक है, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, टू माइनस वन इज वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू टू इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इन टू, अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही बात है, इन टू विच इज एफ ऑफ एक्स हियर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज द एफ ऑफ एक्स हियर, ओके, देखिए कॉस एफ ऑफ एक्स, सो माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉम्पोजिट पार्ट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, सो उसके डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस साइन तो यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लेंगे, माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स, इट इज वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, बट अगेन एफ ऑफ एक्स क्या था, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन के डेरिवेटिव से उसको
मल्टीप्लाई कर दिया, सो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू। अभी इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, एक रिजल्ट हमने देखा था, क्या रिजल्ट था? साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ठीक है ना? सो टू साइन थीटा कॉस थीटा इज माइनस साइन ऑफ टू थीटा, सही बात है। रिजल्ट हमने वहां पे रिप्लेस किया हुआ है यूजिंग दिस रिजल्ट, टू साइन ऑफ टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल फार्मूला फॉर साइन, ठीक है? सो साइन टू थीटा कर दिया उसको, साइन ऑफ टू, ये थीटा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन थीटा, इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस एक्स अपॉन दैट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन विल बी एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन विल बी एज इट इज, ठीक है? सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एक्स इंटू साइन ऑफ, अभी लॉग का रिजल्ट था हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। सो दैट गिव्स द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है ना? यहाँ पे क्या किया, n इंटू लॉग ऑफ m, लॉग m रेज टू n, वो रिजल्ट था ना, और एक हमारे पास कौन सा, लॉग ऑफ m रेज टू n, इट इज n इंटू लॉग ऑफ m, आपको याद होगा वो रिजल्ट, ठीक है ना? n इंटू लॉग m, लॉग ऑफ m, ये n जो है ये m के पावर को जाता है, सो ये 2 जो था ये लॉग के पावर को भेज दिया हमने वहाँ पे, ठीक है? सो दैट इज द आंसर ऑफ अ गिवन सम, ठीक है? आप इसका भी नोट आपके नोटबुक बना लीजिए। चलिए थोड़ा सा एक अच्छा सा स्ट्रांग सम लेते हैं, दिखने में बहुत खतरनाक दिखता है, e रेस्ट टू लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आया है वहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आया है, लॉग एक्स के तीन टर्म्स है वहाँ पे, ठीक है ना? लॉग ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इसको हमने सॉल्व करना है। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है। हमें पता था जब हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे, e रेस टू x इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है? और जहाँ पे हमने log ऑफ x डिफाइन किया था, दैट वॉज डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। आपको अगर याद होगा, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस ऑफ सब फंक्शंस लिए थे सेट रिलेशन फंक्शंस में 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर आई थिंक 6 था, फंक्शंस नाम का चैप्टर था आपके पास, ठीक है ना? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r। और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, क्या जब f ऑफ x इज डिफाइंड, सॉरी f इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू a, दोनों के डोमेन एंड कोडोमेन अगर इंटरचेंज किए हो, तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। अभी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ठीक से, एक्सपोनेंशियल का डोमेन r है तो लॉगरिथमिक का कोडोमेन r है, एक्सपोनेंशियल का कोडोमेन r प्लस है या तो फिर रेंज r प्लस है, तो लॉगरिथम इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर पॉजिटिव रियल नंबर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड ओवर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमें पता है लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड ओवर जीरो एज वेल एज नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट मीन्स लॉगरिथम इज वेल डिफाइंड ओवर पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स यू कैन से। मतलब लॉगरिथम जो है वो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ही डिफाइन होता है, सही बात है? इसका मतलब डोमेन ऑफ लॉगरिथम इज आर प्लस, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सोचेंगे तो उसका रेंज जो है वो आर प्लस है। सो दोनों के डोमेन एंड कोडोमेन यहाँ पे इंटरचेंज किए हुए हैं। अगर हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, एफ कंपोजिशन जी, अगर दोनों के डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज किए हो, दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। सो हम अगर कहेंगे लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, दैट कम्स डायरेक्टली एक्स, बिकॉज लॉग ई रेस टू एक्स एम रेस टू एन, ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई दैट इज वन, सो एक्स आ जाएगा, या तो फिर
ई रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ई आएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन से, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था 11th के फंक्शंस में, इसका यूज हमें यहाँ पे करना है। मैंने पहले भी आपको बोला था जो मैथमेटिक्स आपने पीछे पढ़ के आए आप यहाँ तक, उसको आपको रिविजन देना ही होगा। वो अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे को काट देंगे वो। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे को काट देंगे, उसका वेरिएबल खाली बचेगा वहाँ पे, जो उसका वेरिएबल है उतना बचेगा, बाकी एक दूसरे को वो काट देंगे, ठीक है ना। सो दोनों एक दूसरे पे हमला करेंगे और एंड हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, खाली वो वेरिएबल वहाँ पे बचेगा, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए, जब डोमेन और कोडोमेन दो फंक्शंस के एक दूसरे के इंटरचेंज किए हो और दोनों का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी आता हो तो दोनों फंक्शंस को इनवर्स फंक्शंस बोलते हैं। उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ फंक्शंस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, सो दे वैनिश ईच अदर, एक दूसरे को वो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक द फंक्शन y इज इक्वल्स टू ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ई रेस टू लॉग, यहाँ पे लॉग का बेस लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बेस नहीं है, मतलब बेस ई है उसका, ठीक है ना। सो एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, लॉग ऑफ लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू द बेस ई। अभी ई रेस टू लॉग टू द बेस ई, अभी अभी हमने देखा था ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। सो क्या बचेगा वहाँ पे, वहाँ पे बचेगा उसका वेरिएबल ओनली, लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है ये, इस एग्जाम्पल में इसी को सब वेटेज है, इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज है, आपको बहुत ठीक से इसको याद रखना है, ठीक है ना। अभी तो बहुत ईजी हो गया वो, अभी तो बहुत ईजी हो गया कंपोजिट पार्ट तो बहुत ईजी हो गया, लेकिन यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है, आपको ये रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा भाई डेरिवेटिव आपका, सो डिवाइड बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, सो एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग एक्स को अगर हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, सो एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है, लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, लॉग एक्स का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, ये टू टाइम्स लॉग एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमने, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको एक स्टेप बढ़ा के, टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहाँ पे, सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू बचेगा टू टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, सो टू अपॉन एक्स वहाँ पे कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे, टू अपॉन एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे भी टू अपॉन एक्स था, यहाँ पे भी टू अपॉन एक्स था, कॉमन फैक्टर था बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया लॉग एक्स माइनस यहाँ पे बच गया वन, सो ए हो गया आपका डेरिवेटिव। देखिए दिखने में बहुत हार्ड दिखता था एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल ऐसे लग रहा था, लेकिन जब हमें बेसिक्स का पता चला तो वो बहुत ईजी हो गया। सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मैथमेटिक्स में, यही एक एडवांटेज है, अगर हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, बेसिक पे पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो 100% यकीनन हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली वहाँ पे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। एक और सम हम वहाँ पे लेंगे, एक और सम लेंगे लॉग ऑफ, फिर से लॉग ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, एक और सम वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, चलिए लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू द फंक्शन लॉग ऑफ
log x उसका ब्रैकेट स्क्वायर. सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा डेरिवेटिव, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. सो क्या आएगा वो 2 इंटू लॉग ऑफ log x raise to 1 into derivative of a composite part. फिर f of x इसको माना था हमने, ये log of log x था, ये f of x था, f of x raise to n, so n into f of x raise to n minus 1, फिर f of x का derivative हमें multiply करना पड़ेगा, so into the derivative of log of log x, composite part के derivative से हमने उसको multiply कर दिया, so 2 into the bracket log x into, अभी डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एफ ऑफ x, ठीक है ना, log ऑफ एफ ऑफ x ये कंपोजिट पार्ट हो गया, सो 1 अपॉन log x into उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, log ऑफ log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना. अभी log ऑफ एफ ऑफ x था, मतलब ये एफ ऑफ x था, सो 1 अपॉन एफ ऑफ x इंटू डेरेवेटिव ऑफ एफ ऑफ x, ठीक है. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स log ऑफ log x, ठीक है. अभी 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू, अभी देखिए यहाँ पे डेरेवेटिव ऑफ log ऑफ एफ ऑफ x, फिर से ये कंपोजिट पार्ट हो गया, फिर क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन log x हो जाएगा, फिर से इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x. समझ में आ रही है बात, log ऑफ एफ ऑफ x फिर 1 अपॉन एफ ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा आंसर 2 इंटू टाइम 2 इंटू द ब्रैकेट log ऑफ log x डिवाइडेड बाय ये log x into the log x into the bracket log of log x into, अभी ये log x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon x, ओके. सो एट द लास्ट स्टेज डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log of log x होल डिवाइडेड बाय ये x into ये log x into log x, ठीक है. हमने हमारे प्रॉपर रिजल्ट्स फॉलो किए और एग्जांपल वहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया. इतने सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के, और बहुत कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हैं, आप घर पे जाके वो एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए टेक्निक तो हमारा सेम है, वो 15 रिजल्ट्स हमें यूज़ करने हैं, बस वो 15 रिजल्ट्स का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. रिजल्ट्स अगर हमें याद हो गए तो हम इजीली सम्स वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है. तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट. आप सब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, फिर से एक बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आप सभी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए घर पर बैठ के, जो हमने सॉल्व किए वो भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है. नोटबुक बंद कीजिए, आप ब्लैंक पेपर्स लीजिए, वहाँ पे ये सब एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, कहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो फाइंड कीजिए और फिर से उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. सभी एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करेंगे. आप सभी को ऑल द बेस्ट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.